विभिन्न काव्य पंक्तियों में रस को जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी काव्य पंक्तियां हैं जिसको इस वीडियो में लेके आए हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है और ये हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं। अक्सर किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक लाइन दे दिया गया और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो आप नहीं बता पाते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि एक एक बहुत ही चुन के काव्य पंक्तियों को इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए अपने काव्य पंक्तियों की तरफ चलते हैं। यशोदा हरिपालना झुलावे, पहला है ये यशोदा हरिपालना झुलावे। ये क्या है, यशोदा अपने अपने कृष्ण को या अपने बच्चे को क्या करती हैं, पालने में झुलाती हैं। तो ये कौन सा रस इसमें होगा, तो ये तो वात्सल्य रस, सभी लोग जान जाएंगे कि इसमें वात्सल्य रस होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ये कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, सॉरी फ्रेंड्स, इस रस कौन सा है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, इसमें कौन सा रस है, तो हास्य रस है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट काव्य की तरफ चलते हैं। अब लौ नशानी अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशा, सिरानी जागे फिरन दशय हो। कौन है, इसमें कौन सा रस है, तो ये इसमें शांत रस है। इसको ध्यान से देखिए कि अब लौ नशानी अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशा, सिरानी जागे फिरन दशय हो, यानी शांत रस इसमें है। नेक्स्ट है, ये किसकी पंक्ति है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि अब लौ नशानी अब ना नशे हो, ये किसकी पंक्ति है, किस काव्य की पंक्ति है और किसके द्वारा रचित पंक्ति है। तो नेक्स्ट चलते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में, उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इसमें हास्य रस है, कौन सा रस है, तो हास्य रस है। साज चतुरंग सैन अंग में, उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, इसमें क्या है, तो हास्य रस है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं। मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु करम वचन अरु हीले। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें शांत रस है। मन पछताई है अवसर बीते, इसमें कौन सा रस है, केवल ऐसे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि मन पछताई है अवसर बीते, इतना ही पूछा जाता है अक्सर, और इसमें कौन सा रस है, पूरा पंक्ति नहीं दिया होता है, तो इसमें पूरा पंक्ति है, तो इसमें कौन सा रस है, मन पछताई है अवसर बीते, इसमें शांत रस है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। इसमें कौन सा रस है, तो ये संयोग श्रृंगार रस है। कौन है, तो संयोग श्रृंगार रस है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, बहुत अच्छी पंक्ति है, तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आए होंगे यदि भारत कुमति वस वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इसका लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी ना सुनूंगा रण में। ये किसकी पंक्ति है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस है, वीर रस है इसमें, क्योंकि इसमें वीर रस कूट कूट के भरा हुआ है। आए होंगे यदि भरत कुमति बस वन में, देखो आए होंगे क्या दिया है, आए होंगे यदि भरत कुमति बस वन में,
तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इसका लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी ना सुनूंगा रण में। कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। जहाँ लड़ाई या रड़बड़ की बात आ जाए उसमें अक्सर वीर रस मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम अपने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन, मन के मनोज। फिर से देखिए, सुख भोग खोजने आते सब, सुख भोग खोजने, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम अपने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। कौन सा रस है? तो ये शांत रस है। कौन सा रस है? तो ये शांत रस है, ये शांत रस है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, शांत रस है। तो वीडियो यही खत्म हो जाती है, और ये ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो काव्य पंक्तियाँ थी उनको लेके इस वीडियो में आए, जो जो रस से संबंधित थी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस सारे प्रश्नों को रखा जाता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे आपका और जो पढ़ाई कर रहे हैं जिनको शिक्षक बनने की ललक है वो ज़रूर ही इसमें कामयाबी पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा देखें आपका, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।